कल पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया कि बठिंडा का थर्मल प्लांट और रूपनगर के थर्मल प्लांट के दो यूनिट हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि बठिंडा थर्मल प्लांट काफ़ी पुराना हो चुका है। इसलिए यह फैसला लिया गया कि बठिंडा का गुरु नानक देव थर्मल प्लांट 1 जनवरी 2018 को बंद कर दिया जाएगा। इसका आज थर्मल प्लांट कर्मचारियों ने पंजाब सरकार का विरोध किया। थर्मल प्लांट के बाहर धरना लगाकर रोड जाम कर दिया गया। उधर थर्मल प्लांट यूनियन कर्मचारी प्रधान का कहना है कि पंजाब सरकार ने ये बहुत ही गलत फैसला लिया है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने हमसे ये वादा किया था कि हमारी सरकार सत्ता में आने पर किसी भी हालत में बठिंडा का थर्मल प्लांट बंद नहीं होने देगी, परंतु अब वित्त मंत्री अपने वायदों से मुकर गए हैं। इस थर्मल प्लांट बंद होने से सैकड़ों की गिनती में लोग बेरोजगार हो जाएंगे और उनके घरों में बने चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। इसके संबंध में हमने हाई कोर्ट में भी अपील दायर की हुई है, परंतु अभी कोई भी फैसला नहीं आया है। फिर भी हम यह थर्मल प्लांट हर हालत में बंद नहीं होने देंगे, इसका हम मरते दम तक संघर्ष जारी रखेंगे। आपको बता दें कि अकाली दल सरकार के वक्त बठिंडा थर्मल प्लांट की मरम्मत के लिए 716 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, ताकि थर्मल प्लांट में भी नई तकनीक में शामिल हो जाए और इसे बंद ना करना पड़े। बठिंडा से कुणाल बंसल, आज़ाद टीवी न्यूज। की नाम है जी? मेरा नाम अश्विनी कुमार है जी, बठिंडा थर्मल तो प्रधान है जी। जो कल सरकार कांग्रेस की सरकार ने जो बठिंडा थर्मल बंद करने की नीति लैके आई, जो उसके उत्ते मोहर लाई गई, वो जरा अच्छ जो थर्मल गेट से धरना ला के उस तो बाद जो असी मुक्तसर रोड जोड़ा गया दोनों पुल के उत्ते जो जाम लाया गया, वो जो सरकार ने जोड़ा ये फैसला लाया गया, ये असी बहुत निंदनयोग है कि जे ये सरकार जोड़े कह रही है कि कच्चे मुलाजमान असी किसी पास होर लावे महकमे करा, पर हजे तक कोई इन्होंने रूह नहीं दिता गा। ये जो पंजाब गौरमेंट ने कल फैसला किया है कि बठिंडा थर्मल के सारे यूनिट पक्के तौर के उत्ते बंद, तो रोपड़ थर्मल प्लांट के एक तो दो नंबर यूनिट जिहड़ा कैबिनेट ने फैसला किया है वो विरोध के असी प्रोटेस्ट किया, और असी सरकार नू चेतावनी दें कि अपना जिहड़ा उन्हें फैसला किया कल इनू रिव्यू करे और इनू वापस लवे। सरकार दे कोले असी बहुत कोशिश की है, असी लिखती रूप दे विच भी सरकार नू भेजिया, असी टाइम लैन की कोशिश भी की है, पर सानू सरकार ने एक बार भी नहीं बुलाया।